हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दीनदयाल उपाध्याय DDU गोरखपुर के BEd फर्स्ट ईयर के सेकंड सब्जेक्ट्स नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि न्यू पैटर्न सेमेस्टर वाइज जो आपका सिलेबस है उसके बिहाफ पे आपको यूनिट 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे और यूनिट 5 को समझेंगे एक यूनिट करके। तो देखिए यूनिट 5 में आपको टोटल 4 पॉइंट पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर केवल इंग्लिश में लिखा है और आइए बाइलिंगुअल चलते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम देना होता है। तो बच्चों ये रहा आपका सिलेबस यूनिट 5 के लिए और यूनिट 5 में आपको केवल 4 पॉइंट पढ़ना है। जो आपका टोटल यूनिट 5 है ना, इट इज़ ऑल ऑन द बेस ऑफ करिकुलम, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम पे डिपेंड करता है। आपके जो सारे क्वेश्चन बनेंगे वो पाठ्यक्रम से बनेंगे। तो इसके 4 पॉइंट कौन कौन से है? पहला है दोस्तों कि पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट, मतलब पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, पाठ्यक्रम को विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया, इसके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम एंड्स एम्स एंड टाइप्स, पाठ्यक्रम का अर्थ उद्देश्य एवं प्रकार, ये आपका हो गया पहला टॉपिक, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स में इस पिछली बार हो या इससे पहले की ईयरली एग्जाम्स है, एंड दैट इज़ द मोस्ट पॉइंट, क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। बच्चों किसी किताबों में 14 और किसी किताबों में 11 करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के सिद्धांत दिए होते हैं, जैसे कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इस प्रकार से कुछ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत दिए होते हैं, लचीलेपन का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दिए होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अगला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है। एक अच्छे पाठ्यपुस्तक लिखावट अच्छी होनी चाहिए, किसी विद्वान के द्वारा लिखा होना चाहिए। तो इसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे इससे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द करिकुलम, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम में संबंध, पाठ्यक्रम और शिक्षा के उद्देश्य में संबंध क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और दोस्तों कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में फ़र्क पूछे जाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड द सिलेबस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों आपके पूरे 5 यूनिट में इन्हीं 4 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रॉबली इस साल के लिए मैं प्रेडिक्शन करूँगा इस प्रश्न को कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हो गई प्रश्न की बात, अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है और इसको वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट था वह था करिकुलम के कॉन्सेप्ट, जैसे कि पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, निर्माण की विधियां। तो इन सारे वीडियोस को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था पाठ्यपुस्तक के बारे में कि पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, मेरे साथ समस्या ये कि हम छोटे छोटे करके वीडियोज़ को पढ़ेंगे ना तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं। तीसरा पॉइंट जो हमारा था पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ठीक है, तो इसका भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, निर्माण की विधियां कह लें या निर्माण का सिद्धांत कह लें। दोस्तों इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ना, 4 वीडियोस में आपका यह यूनिट बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा और उन चारों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो थोड़ा थोड़ा करके एक एक यूनिट को हम कवरअप करते हैं और एग्ज़ाम आने से पहले ही हम पूरे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही ख़त्म करेंगे, एक छोटे छोटे वीडियोस में हम सब कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट 5 के पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आपको करिकुलम के बारे में पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी अबाउट द करिकुलम, द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट, लाइक यू हैव टू स्टडी द मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ करिकुलम, एंड द सेकेंड वन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एंड द थर्ड वन अबाउट यू हैव टू स्टडी द टेक्स्ट बुक, लाइक व्हाट आर द टेक्स्ट बुक, व्हाट आर द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, राइट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रिलेशन बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। ओके, अगर हिंदी में बात करें तो पाठ्यक्रम का अर्थ, उद्देश्य और प्रकार, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, अच्छे पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक एक अच्छी किताब की विशेषता, और शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम में संबंध। सो दिस इज ऑल अबाउट द
फिफ्थ यूनिट ऑफ द योर सेकेंड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम एंड द आंसर्स ऑफ दिस वीडियो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमें देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ऐसे ही हम पूरे आपके सब्जेक्ट्स को ख़त्म करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ पे DDU के बच्चे, BEd के बच्चे जुड़े होते हैं। आप, मुझे खुशी होगी आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।